नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल डीजी हिमाचल में। और इस वक्त हम चर्चा करेंगे आज हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम निर्णयों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। हिमाचल में रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा रात्रि कर्फ्यू। कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी, इंडोर होने वाले शादी और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 50% लोग ही शामिल हो पाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद सरकार ने लिया कदम। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की और वर्तमान पाबंदियों को जारी रखने का निर्णय लिया। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के आज कुछ और भी निर्णय हुए, जैसे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार यानी रोजगार नियमन एवं सेवा शर्त नियमन 2008 में संशोधन और सम्मिलित करने को स्वीकृति प्रदान की गई, ताकि योजना का दायरा बढ़ाकर पात्र लाभार्थियों को अधिक लाभ प्रदान किया जा सके। कामगारों के पहले से 8वीं कक्षा तक की लड़कियों को पढ़ाने के लिए दिए जाने वाले 8,000 रुपये और लड़कों को 5,000 रुपये के स्थान पर अब दोनों के लिए 8,400 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। इसी तरह 9वीं से 12वीं कक्षा की लड़कियों को दिए जाने वाले प्रतिवर्ष 11,000 रुपये तथा लड़कों को प्रतिवर्ष 8,000 रुपये के स्थान पर इन विद्यार्थियों को 12,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। स्नातक कक्षा की लड़कियों को 16,000 रुपये के स्थान पर 36,000 रुपये प्रतिवर्ष तथा लड़कों को भी 12,000 रुपये के स्थान पर 36,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। स्नातकोत्तर कक्षा की लड़कियों के लिए 21,000 रुपये के स्थान पर 60,000 रुपये तथा लड़कों के लिए 17,000 रुपये के स्थान पर 60,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। डिप्लोमा कोर्स करने वाली लड़कियों को पूर्व में दिए जा रहे 21,000 रुपये व लड़कों को 17,000 रुपये के स्थान पर 48,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों व डिग्री करने वाली लड़कियों को पूर्व में दिए जा रहे 36,000 रुपये के स्थान पर 60,000 रुपये तथा लड़कों को 27,000 रुपये के स्थान पर 60,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार पीएचडी अनुसंधान कार्य करने वाली लड़कियों को पूर्व में दिए जा रहे 36,000 रुपये के स्थान पर 1,20,000 रुपये और लड़कों को 27,000 रुपये के स्थान पर 1,20,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने बालिका जन्म उपहार योजना आरंभ करने का भी निर्णय लिया, जिसके तहत बालिका के जन्म पर 51,000 रुपये की FDR की जाएगी, जो अधिकतम 2 बालिकाओं के जन्म पर देय होगी। इसी प्रकार विशेष रूप से सक्षम व मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए बाल कल्याण आयोजना के अंतर्गत 50% या उससे अधिक की विकलांगता वाले बच्चों को 20,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने पंजीकृत लाभार्थियों की विधवाओं के लिए 1,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन आरंभ करने का भी निर्णय लिया। बैठक में छात्रावास सुविधा योजना शुरू करने तथा जिसके तहत पंजीकृत भवन एवं सन्निर्माण कामगार को किसी भी छात्रावास में रहने वाले अपने बच्चों के रहने और खाने का खर्च वहन करने के लिए अधिकतम 20,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। पंजीकृत लाभार्थियों को अपना घर बनाने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,50,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। मंत्रिमंडल ने 4-लेन निर्माण परियोजना से संबंधित भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल उप समिति का गठन करने को अपनी मंजूरी दी, जिसके सदस्य शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर तथा वन मंत्री राकेश पठानिया होंगे। उप समिति पड़ोसी राज्यों में संबंधित नीति का अध्ययन करेगी। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।